गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, माय नेम इज पंकज मलिक। मेरा टीचिंग एक्सपीरियंस 10 ईयर का है और फिलहाल मैं GAV स्कूल पटौदा में टीच कर रहा हूँ। उससे पहले मैंने RED छुच्छकवास में भी टीच किया था। बच्चों, क्या है कि मैंने महसूस किया है कि मैंने उस साइड पढ़ाया है, झज्जर, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, वहाँ से 60% बच्चे जो भी कम्पिटेटिव एग्जाम होता है लाइक JEE मेन्स, NTSC, NDA वगैरह, तो वहाँ के 60% बच्चे उसे क्वालिफाई करते हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। ऐसा क्यों होता है? हम भी क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल इजीली क्वालिफाई कर सकते हैं, बिल्कुल कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? हमें मैथ का कोई भी टॉपिक, हम कोई भी टॉपिक पढ़ना स्टार्ट करें, उसको बिल्कुल बेस से पढ़ना स्टार्ट करना है। उसकी अगर हमें बेसिक नॉलेज होगी तो हम कोई भी कम्पिटेटिव एग्जाम इजीली पास कर सकते हैं, और कोई भी बोर्ड एग्जाम है उसे भी हम टॉप कर सकते हैं बिल्कुल ईजिली, लेकिन उसको बेस से पढ़ना स्टार्ट करना है। आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन और फंक्शन। देखो बच्चों, रिलेशन और फंक्शन के बारे में मैं बताता हूँ। आप देखोगे जब भी आप NCERT मैथ उठाते हो तो रिलेशन और फंक्शन इकट्ठा चैप्टर है, एलिमेंट उठाते हो वहाँ भी इकट्ठा चैप्टर है, जब भी आप RED मैथ उठाते हो वहाँ दोनों अलग अलग टॉपिक है। इसी तरह जब आप दिनेश फंडामेंटल उठाते हो वहाँ भी अलग अलग टॉपिक है, लेकिन जब भी आप कम्पिटेटिव एग्जाम सिंगेज की बुक उठाते हो उसमें इकट्ठा टॉपिक है। ऐसा क्यों है कि ये इकट्ठा भी है और अलग अलग भी है? जब भी जिस भी मैथ में अलग अलग है वहाँ कंटिन्यू है, रिलेशन के तुरंत बाद फंक्शन मिलता है। ऐसा क्यों है कि इसका मतलब ये हुआ कि भाई रिलेशन और फंक्शन में कुछ डिफरेंस भी है और दोनों एक ही टॉपिक है। अब सबसे पहले मैं रिलेशन पे बात करता हूँ। रिलेशन से पहले मुझे पता होना चाहिए कि सेट क्या होता है। सेट आपको पता है कि सेट इज़ ए वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, और सेट को मैं क्या लिखता हूँ? सेट को जो डिनोट करता हूँ वो कैपिटल लेटर से लिखता हूँ, ए से डिनोट करता हूँ। इसके अंदर जो एलिमेंट आते हैं उसको मैं स्मॉल लेटर से डिनोट करता हूँ, जैसे ABC, या मैं लिखूँ बी कोई अदर सेट लिख दिया, 1, 2, 3 इसके अंदर नंबर लिख दिए, और ये सेट को कर्ली ब्रैकेट के अंदर रखते हैं। अगर मैं ऑर्डर पेयर की बात करूं, इनके ऑर्डर पेयर बनाता हूं। देखो पहले मैंने बच्चों सेट लिखा, उसके बाद मैं ऑर्डर पेयर बनाता हूं। इसके ऑर्डर पेयर क्या बने? इसके ऑर्डर पेयर बने A1 A2, थोड़ा मैं छोटा कर देता हूं ताकि इतना ना लिखना पड़े, B1 B2 C1 C2, ऐसे मैं ऑर्डर पेयर बनाता। ऑर्डर पेयर बनाने के बाद क्या होता है, अगर इन्हीं ऑर्डर पेयर को जो मैंने ऑर्डर पेयर बनाए हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, अगर मैं सारे ऑर्डर पेयर को एक सेट के अंदर लिख देता हूँ, सेट के अंदर लिखने का मतलब उसे कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ। ये सारे ऑर्डर पेयर बने हैं, इसको मैं कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख देता हूँ, मैंने ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिख दिया, ये क्या बन गया? कार्टेशियन प्रोडक्ट। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट बन गया। अब देखो बच्चों, पहले मैंने क्या लिखा? सेट लिखा, फिर ऑर्डर पेयर लिखा। ऑर्डर पेयर लिखने के बाद कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? सेट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर, यानी कि जितने भी ऑर्डर पेयर हैं उसका अगर मैं सेट बना देता हूं वो क्या होता है? कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से ही अगर मैं कोई एक ऑर्डर पेयर लिख दूं A1, ये लिख देता हूं, तो ये क्या होता है? रिलेशन। बच्चों समझ में आया? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही अगर मैं एक ऑर्डर पेयर लिख दूं A1, ये रिलेशन, और मैं क्या लिख सकता हूं? A relate to 1। तो रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से ही तो मैंने उठाया है ऑर्डर पेयर, तो रिलेशन को कहां से उठाया? कार्टेशियन प्रोडक्ट के अंदर से। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का रिलेशन क्या हुआ? रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है बच्चों, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट। अब आप रिलेशन के बारे में एक बात देखेंगे बच्चों, रिलेशन के बारे में आप क्या देखोगे कि अगर हम कोई भी इनपुट रखते हैं और उसका आउटपुट आता है तो वो क्या होता है? रिलेशन। इनपुट रखते हैं, आउटपुट आता है, वो रिलेशन होता है। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस क्या हुआ? ये तो मैंने रिलेशन लिख दिया, रिलेशन की डेफिनेशन मैं एक और लिख सकता हूँ, ये भी लिख सकता हूँ, रिलेशन इज द सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट का ही सबसेट है। रिलेशन की और डेफिनेशन क्या है? रिलेशन इज द सेट ऑफ इनपुट एंड आउटपुट, यानी कि इनपुट और आउटपुट
जहाँ रखते हैं वो क्या होता है रिलेशन। अब फंक्शन क्या है, फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द सेट ऑफ इनपुट ऑफ वन इनपुट गिव्स सिंगल आउटपुट। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हम एक इनपुट रखते हैं और वो एक ही आउटपुट देता है तो क्या होता है फंक्शन। अगर हम एक इनपुट रखते हैं और आउटपुट क्या आता है, कितने आउटपुट आते हैं वो कोई मैटर नहीं करता, वो रिलेशन होता है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन रिलेशन का ही, फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन। फंक्शन एक रिलेशन ही है, लेकिन फंक्शन के अंदर क्या आ गया, फंक्शन के अंदर एक कंडीशन दे दी उसने कि फंक्शन में क्या होगा, सिर्फ एक जो आउटपुट आएगा वो सिंगल आएगी। अगर हम एक इनपुट रखेंगे तो आउटपुट एक ही आना चाहिए, ये फंक्शन है। जैसे मैं अगर आपको बताना चाहूँ, एक एग्जाम्पल लेके बताते हैं यहाँ। अब आपने देखा कि रिलेशन क्या है कि इनपुट दी और आउटपुट आ गया, ये मैटर नहीं करता कितने आउटपुट आ रहे हैं कितने नहीं आ रहे। और फंक्शन क्या है, एक सिंपल ही लैंग्वेज फंक्शन ये है कि भाई हमने एक इनपुट दी तो एक ही आउटपुट आया। जैसे मैं एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ए ले लेता हूँ 1 2 3 और बी ले लेता हूँ 4 5 6। अब मैं क्या कर सकता हूँ, R1 लिखता हूँ। R1 लिखने का मतलब, R1 का मतलब है रिलेशन, फर्स्ट रिलेशन। मैं लिख देता हूँ 1 4 1 5 1 6 2 4 और मैं एक लिख देता हूँ F1। F1 का मतलब फंक्शन 1 4 1 5 2 4 2 5 और F2 लिख देता हूँ 1 4 1 5 2 4 2 5 3। एक F3 फिर लिख देता हूँ 1 4 2 5 3 6। अब आपसे मैं पूछना चाहूँ कि इनमें से क्या ये रिलेशन है, बिल्कुल रिलेशन है। रिलेशन क्या है, वन इनपुट दिया आउटपुट क्या है, 4 और 5। मैंने बताया था रिलेशन में ये कोई मैटर नहीं करता कि कितने आउटपुट आते हैं कितने नहीं, तो ये रिलेशन है। अब यहाँ देखो क्या ये फंक्शन है, बिल्कुल नहीं है ये फंक्शन। F1 का मतलब फंक्शन, R का मतलब रिलेशन। F1 फंक्शन है नहीं है, क्योंकि मैंने इनपुट दिया 1 और आउटपुट क्या आए 4 और 5, यानी कि एक इनपुट दूं और 2 आउटपुट आए तो क्या होगा, ये फंक्शन नहीं है। और वैसे भी ये फंक्शन ये भी नहीं है कि 3 का कोई भी आउटपुट नहीं है। 3 है यहाँ, इसका कोई भी आउटपुट नहीं है। और फंक्शन कहाँ से है, फंक्शन मैं अगर लिख देता हूँ फंक्शन बिलोंग टू ए टू बी, फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है, ए टू बी में। अब क्या है, मैंने बोला फंक्शन में हर एलिमेंट को एक आउटपुट आना चाहिए, एक ही आउटपुट आना चाहिए। तो अब 3 का यहाँ ऐसे भी चेक कर सकते हैं कि भाई 1 के 2 आउटपुट हैं, 1 के 1 आउटपुट 4 है, 1 आउटपुट 5 है, तो आउटपुट 2 हो गए, तो ये फंक्शन हो नहीं सकता। ये भी चेक कर सकते हैं कि जो 3 है, 3 का कोई भी आउटपुट नहीं है, तो तब भी ये फंक्शन नहीं हो सकता। अब नेक्स्ट में देखो 1 4 ठीक है, यहाँ तक 2 4 ठीक है, फंक्शन है यहाँ तक। 2 5 2 का 2 आउटपुट आ गए, 4 भी और 5 भी, तो ये क्या हुआ, ये फंक्शन नहीं है। यहाँ चलो 1 का क्या आउटपुट आया, 4, 2 का क्या आया, 5, 3 का क्या आया, 6, 1 का भी आउटपुट है एक ही है 4, 2 का भी आउटपुट है एक ही है 5, 3 का भी आउटपुट है एक ही आउटपुट है 6, तो ये क्या हुआ, फंक्शन हुआ। अब देखो रिलेशन ये है, क्योंकि आउटपुट कितने ही आए, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, ये भी रिलेशन है, लेकिन क्या है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन नहीं है, लेकिन F3 है जो ये फंक्शन है। तो फंक्शन क्या है, फंक्शन इज द स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन है, रिलेशन नहीं है, लेकिन उसमें एक कंडीशन अप्लाई होगी कि भाई एक इनपुट के साथ एक आउटपुट आना चाहिए। और अगर मैं इसको और डीपली जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमारे आता है उसमें क्या होता है कि भाई फंक्शन चेक करने का एक और तरीका है हमें, वो है वर्टिकल लाइन टेस्ट, कि वो फंक्शन है या नहीं है। वर्टिकल लाइन टेस्ट कैसे करते हैं, जैसे आपको पता है बच्चों कि आप हर कोई भी हमारे पास इक्वेशन है उसका हम ग्राफ बना सकते हैं, कोई भी पॉलिनोमियल या इक्वेशन हम उसका ग्राफ इजीली बना सकते हैं। जैसे ये है y = x, मैंने ये ले लिया, इसका ग्राफ बनाना बिल्कुल ईजी है। इसका जब भी हम ग्राफ बनाएंगे तो वो ऐसे बनेगा, ऐसे बनेगा।
वर्टिकल लाइन टेस्ट का मतलब क्या है? वर्टिकल लाइन टेस्ट कि एक वर्टिकल लाइन खींचते हैं, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है, अगर वो एक सिंगल पॉइंट पे कट करती है तो फंक्शन है, अगर वो सिंगल पॉइंट पे कट नहीं करती तो फंक्शन नहीं है। हमने ग्राफ बनाया और एक वर्टिकल लाइन कहीं खींच के देख लो, मैंने ये खींची, ये ड्रा की, ये ड्रा की, कहाँ कट कर रही इसको? एक ही पॉइंट पे, सिर्फ एक पॉइंट पे, ये लाइन एक पॉइंट पे कट कर रही, ये भी एक पॉइंट पे, ये भी एक पॉइंट पे, ये एक पॉइंट पे यहाँ से खींचोगे और खींचो, जितनी भी वर्टिकल लाइन खींचोगे सब एक ही पॉइंट पे कट करेंगी, तो इसे हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं कि भाई ये फंक्शन है, क्योंकि एक ही पॉइंट पे कट कर रहा। और एक बार आप ध्यान से सोच के देखो, ये एक ही पॉइंट वर्टिकल लाइन टेस्ट किया क्या है? ये ऊपर वाले ही तो डेफिनेशन है कि मैंने देखो यहाँ ये एक्स, ये वाई, ये वाई डैश, जब भी ग्राफ बनाते एक्स एक्स डैश, अब मैंने रखा एक्स इज इक्वल टू वन, एक्स इज इक्वल टू वन रखा, तो एक्स इज इक्वल टू ये लाइन है, एक्स इज इक्वल टू वन ये लाइन यहाँ है। नेक्स्ट पे देखो यहाँ एक्स इज इक्वल टू टू रखा तो ये यहाँ कट किया, एक्स इज इक्वल टू टू वाई की वैल्यू ये आई, ये वाई की वैल्यू अगर मैं यहाँ से ले लेता हूँ वाई इज इक्वल टू वन, तो एक्स टू रखा तो वाई क्या आई? वन आई। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर एक इनपुट दिया तो आउटपुट कितना आया? एक ही आया। यहाँ अगर मैं स्कोर क्लैरिफाई करूँ, देखो आपने अभी प्लस वन में ही पढ़ा है, ये प्लस वन और प्लस टू का दोनों का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हर कम्पिटेटिव एग्जाम में इससे दो से तीन क्वेश्चन आते हैं, हर कम्पिटेटिव एग्जाम में या हर कोई भी बोर्ड का एग्जाम है, दो से तीन क्वेश्चन आते हैं। अब देखो बच्चों, आपने पैराबोला किया है प्लस वन में, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू फोर एक्स, ये पैराबोला की इक्वेशन है। जब फंक्शन कहाँ से बिलोंग कर रहा है? फंक्शन बिलोंग कर रहा है एक्स टू वाई, तो पैराबोला की इक्वेशन क्या हुई? सिमेट्रिकल अबाउट एक्स एक्सिस है, ये रहा। अगर मैं इसको, ये ग्राफ बन गया इसका, इसका ग्राफ तुम जब भी बनाओगे, ग्राफ कैसे बनाते हैं? टेंथ क्लास में आप ग्राफ बनाना सीख रहे हो कि एक्स की वैल्यू जीरो वन टू जीरो लिया, वाई की क्या आई, वो टेबल बना के आपको ध्यान होगा टेंथ में, एक्स की वैल्यू जीरो ली तो वाई की क्या आई जीरो, इसी तरह एक्स की वन ली वाई की क्या आई। तो इस तरह से जब ग्राफ बनाओगे तो ये ग्राफ बनेगा इस तरह, कर्व में बनेगा, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है वो कर्व में बनता है, और एक सिंगल लाइन का जो ग्राफ बनता है वो लीनियर में बनता है, लीनियर इक्वेशन तब वो। अब ये ग्राफ बन गया, अब वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। देखो ये वाई, ये वाई डैश, ये एक्स डैश, वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ। ये एक लाइन खींच ली, लाइन ड्रा कर ली, यहाँ x इज इक्वल टू वन पॉइंट लिया, एक पॉइंट लिया, तो वैल्यू कितनी आई? वैल्यू डबल आई, एक तो यहाँ आ गई, यहाँ कट कर रही है लाइन इस पर, और एक यहाँ, कि हमने एक वैल्यू ली और आउटपुट क्या आए? दो। तो ये क्या हुआ? ये फंक्शन नहीं हुआ। इसी तरह अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊँ x इज इक्वल टू फोर ए वाई, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू फोर ए वाई, ये किसका है? ये भी पैराबोला की इक्वेशन है। कैसी इक्वेशन है ये? कैसे जाएगा? ऐसे ऐसे ग्राफ बनेगा, जब घर ग्राफ बना के देखोगे तो इसका ऐसे ग्राफ बनेगा। अब मैं इस पे वर्टिकल लाइन टेस्ट करता हूँ तो क्या होता है कि ये वर्टिकल लाइन टेस्ट किया, एक वैल्यू ली, एक ही वैल्यू आ रही है, एक्स इज इक्वल टू वन ली, एक्स इस लाइन पे ले गए एक्स एक्सिस पे, तो वैल्यू कहाँ आई? वाई वन आ गया, तो ये यहाँ पॉइंट आ गया, एक्स की वैल्यू वन ली, वाई पे एक आ गया, यहाँ खींचो कितने पॉइंट पे कट कर रही? एक ही पॉइंट पे, यहाँ खींचो लाइन ड्रा करो, एक ही पॉइंट पे कट कर रही है। तो ये क्या है? ये फंक्शन है कि जो वर्टिकल लाइन है वो एक ही पॉइंट पर इसको कट कर रही है, तो ये क्या है? फंक्शन है, ये फंक्शन है। अगर मैं थोड़ा और आगे चलूँ, अगर आपको इसको ग्राफ बना के समझाना चाहूँ रिलेशन और फंक्शन में, मैं आगे फिर डिफरेंस बताता हूँ रिलेशन और फंक्शन में। जैसे मैंने ये बना दिया, ये ग्राफ बना दिया, ये वैल्यू ले ली वन टू थ्री फोर, ये वैल्यू ले ली फाइव सिक्स सेवन, पीछे ही क्वेश्चन लिया था। अब क्या है, ये मैं ए ले लेता हूँ, ये मैं बी ले लेता हूँ, वन बिलोंग किया फाइव के साथ, टू सिक्स के साथ, थ्री सेवन के साथ, फोर सेवन के साथ। अब मैं आपसे पूछता हूँ बच्चों, ये फंक्शन है या नहीं है? अब देखो आप, ये जो मैं ये इनपुट लेता हूँ इसे बोलते हैं डोमेन, डोमेन। और अगर मैं इसके अंदर एक और एलिमेंट ले लूँ फिर अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको, मैं एक और एलिमेंट ले लेता हूँ एट, इसको बोलते हैं हम कोडोमेन, बी को क्या बोलते हैं? कोडोमेन। और इसके अंदर जो ये एलिमेंट है जिन पे ये
यानी कि जो इनपुट हम देते हैं उसे बोलते हैं डोमेन, जो आउटपुट आता है उसे हम बोलते हैं रेंज, और जो इसके अंदर टोटल एलिमेंट होते हैं उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। तो आप देखोगे ये 1 2 3 4 ये क्या हुआ, इनपुट है, ये कोडोमेन है। इसका कोडोमेन क्या हुआ, 1 2 3 4 डोमेन, सॉरी डोमेन 1 2 3 4 जो इनपुट देते हैं वो डोमेन, और जो एलिमेंट होते हैं टोटल एलिमेंट वो कोडोमेन 5 6 7 8। और रेंज क्या होती है, रेंज वो होती है जो आउटपुट आते हैं, आउटपुट क्या आया है 5 6 7, ये रेंज है 5 6 7। अब कई टीचर आपको बताते भी होंगे, क्या बोलते हैं टीचर कि ये इमेज है, ये प्री इमेज है। आप ऐसे बोल लो इमेज प्री इमेज, या ऐसे बोल लो डोमेन कोडोमेन, ये क्या है रेंज 5 6 7, ये रेंज है इसकी। और रेंज से हर बार हर कम्पिटेटिव एग्जाम में 2 क्वेश्चन आते हैं डोमेन और रेंज निकालने के, वो लंबी बातें हैं क्योंकि वो फिर हम डोमेन यहाँ तो सिंपल बता दोगे आप कि इसकी सर डोमेन 1 2 3 4 है, इसकी कोडोमेन पूछने लग जाऊँ तो आप बोलोगे सर 5 6 7 8 है, और मैं इसकी रेंज पूछने लग जाऊँ आप 1 मिनट में बोल दोगे सर इसके रेंज ना 5 6 7 है। लेकिन मैं अगर यही फंक्शन लिख दूँ y²=4ax, बेटा इसकी डोमेन और रेंज बताओ, तब आपको थोड़ी डिफिकल्टी हो जाएगी। वो मैं नेक्स्ट टॉपिक में स्टार्ट करूँगा, वो नेक्स्ट टॉपिक में आपको बताऊँगा कि कैसे डोमेन और रेंज है। अभी मैं जो बता रहा हूँ वो सिर्फ इतना टॉपिक बता रहा हूँ कि रिलेशन और फंक्शन को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सिर्फ बेसिक बातें का बता रहा हूँ। अब यही एक मैं लास्ट पॉइंट बताता हूँ, अब मैं यही पूछने लग जाऊँ बताओ बेटा ये रिलेशन है, बिल्कुल है ये रिलेशन, क्योंकि 1 हमने क्या दिया इनपुट दिया 5 आउटपुट आ गया, 2 इनपुट दिया 6 आउटपुट आ गया, 3 इनपुट दिया 7 आउटपुट आ गया, 4 इनपुट दिया 7 आउटपुट आ गया। अगर मैं यही लिख दूं एक और, अब ध्यान से देखना 4 को 8 के साथ भी बिलोंग कर दूं, क्या अब रिलेशन है, अब भी रिलेशन है। रिलेशन में मैंने बोला था कि ये फर्क ही नहीं पड़ता कि आउटपुट कितने आ रहे हैं कितने नहीं, 1 का आउटपुट क्या है 5, 2 का आउटपुट क्या है 6, 3 का आउटपुट क्या है 7, 4 का आउटपुट क्या है 7 और 8, 2 आउटपुट आए हैं लेकिन रिलेशन है। अगर मैं अब यही पूछने लग जाऊं कि भाई रिलेशन तो है, फंक्शन है, फंक्शन बिल्कुल नहीं है, क्यों नहीं है, 1 का फंक्शन में क्या कंडीशन बोली थी कि 1 आउटपुट आना चाहिए, 1 का आउटपुट क्या है 5, 2 का क्या है 6, 3 का क्या है 7, 4 के आउटपुट क्या है, 4 का सिंगल आउटपुट नहीं है, 2 आउटपुट है, 1 7 है 1 8 है। तो और फंक्शन की डेफिनेशन ये है कि भाई सिंगल आउटपुट आना चाहिए और आउटपुट जरूर आना चाहिए, तो इसका मतलब आउटपुट हर एक का है लेकिन इसके 2 आउटपुट है, इसलिए ये गलत है, ये फंक्शन नहीं है, रिलेशन है लेकिन फंक्शन नहीं है। अगर मैं अभी इसको साफ कर देता हूँ, देखो इसको मैं साफ कर देता हूँ, क्या अभी ये फंक्शन है, अब तुम 1 मिनट में बोल दोगे हाँ सर फंक्शन है, क्योंकि 1 का 5, 2 का आउटपुट 6, 3 का 7, 4 का 8। अगर मैं अब ये साफ कर दूं तो बेटा फिर क्या होगा, 1 मिनट में आप बोल दोगे सर फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन, ये रिलेशन अब भी है लेकिन फंक्शन नहीं है, क्यों नहीं है फंक्शन, क्योंकि सर 4 का कोई आउटपुट ही नहीं आया, तो अब ये फंक्शन नहीं है। ठीक है बच्चों, थैंक्स बच्चों, आज के लिए यही टॉपिक आपके लिए काफ़ी है, नेक्स्ट क्लास में हम इसे आगे कंटिन्यू करेंगे। हरियाणा से जुड़ी खबरों की तह तक जाने के लिए सब्सक्राइब करें खबर तहलका, बेल आइकन को प्रेस करें।